वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत दिन के बाद बड़े फ्री मूड से आज हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे हर एक को ये टेंशन थी, सर कल पेपर है, इंटीग्रेशन करवा दो, टाइम वैल्यू करवा दो, तो बहुत आराम से कंफर्टेबली बात नहीं हो पाई। तो जितने बच्चों के भी मैसेजेज आए हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग, जिनका मैसेज नहीं आया हुआ उनको भी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैंने थोड़ा सा कल एक ICAI के किसी काउंसिल मेंबर से बात की थी, तो उन्होंने मेरे को ये रिपोर्ट किया कि मार्केट में ऐसा कुछ र्यूमर है कि मैथ का पेपर बहुत मुश्किल था। हालांकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे बच्चों को पेपर मुश्किल नहीं लगा। आप में से किसी को बहुत मुश्किल लगा पेपर? कोई बच्चा ऐसा जो ये कह सकता हो मैथ का पेपर बहुत मुश्किल था? क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आए हुए हैं, बच्चों ने बोला सर पेपर बहुत आसान था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेन बात यह है कि वो ये कह रहे थे कि शायद इस बार ही 3 या 4 नंबर की मैथ में ग्रेस दी जाएगी, क्योंकि मैथ के पेपर में लोगों का बहुत बुरा हाल था। जबकि मुझे बहुत खुशी हुई, आप में हर बच्चे ने ये बोला कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया है, पेपर बहुत आसान था। तो जबकि बाकी लोगों ने मार्केट में ये बोला है कि पेपर मुश्किल था, तो 3 नंबर की ग्रेस, र्यूमर है ऐसा कि 3 नंबर की ग्रेस मिलेगी। तो अगर किसी बच्चे के मैथ में 3 नंबर कम होंगे तो इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, उसको 3 नंबर और मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर टू है, ऐसा भी र्यूमर है कि इस बारी जो रिजल्ट है वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आएगा। पिछली बार हमारा रिजल्ट बहुत कम था, 24% था, तो इस बार ये रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। तो आई कैन प्रे, आई कैन होप हमारे सब बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप तो देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हो, बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। काफ़ी बच्चों का मेरे पर मैसेज भी आया, सर हमारा 1 लाख रुपया तैयार रखना, हम 1 लाख रुपया भी विन करेंगे। तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग 1 लाख रुपया भी विन करोगे। अब हम बात करते हैं जी, देखो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ना मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी नंबर 1 है जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप का पेपर एक ही बार में देना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम समझा देता हूँ। देखो आप सब लोगों का जो रिजल्ट है दैट इज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी 22 में आपका रिजल्ट आएगा। मे बी 8th 10th, मैं अप्रोक्सीमेटली रफली 10th मान लेता हूँ, 10th फरवरी को हमारा रिजल्ट आने की उम्मीद है। नॉट ऑडिबल कह रहे हैं सारे बच्चे, नॉट ऑडिबल कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे। बेटा ये जो नॉट ऑडिबल का मैसेज आ रहा है ना, एक बार आप चेक कर लो कि आपके यहीं से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठीक चल रहा है, आवाज पूरी प्रॉपर आ रही है। आप कंफर्म कर दो बेटा कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, मेरे को कुछ नहीं पता लेकिन एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूँ जी, 10th फरवरी 2022 को हमारा रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद आपको CA इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। सारी की सारी डेट्स आपको आपके नंबर पे भी अपडेट कर दिया जाएगा, आप हमारे यहाँ होगे तो भी अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे हम पहले करते हैं वैसे हम आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कब क्या करना है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। अब इसमें ना क्या होता है, आपका 9 मंथ्स के बाद, मिनिमम 9 मंथ्स के बाद जब हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 9 मंथ्स के बाद आपका अटेम्प्ट ड्यू होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं नवंबर 2022 में आप लोगों का CA इंटर का अटेम्प्ट ड्यू हो जाएगा, नवंबर 2022 में। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम चाहें तो केवल एंड केवल ग्रुप नंबर 1 का पेपर दे सकते हैं, चाहें तो
दोनों के दोनों ग्रुप का भी दे सकते हैं। ग्रुप वन में हमारे पास चार पेपर है, आपको सबको मालूम है। पहला पेपर होता है अकाउंट्स का, और आप सब लोग पढ़े भी हो, हमारी नेहा मैम कितने प्यारे प्यारे तरीके से अकाउंट्स पढ़ाते हैं, आपको सबको मालूम है। तो पहला पेपर होता है अकाउंट्स का, दूसरा पेपर होता है लॉ का। जैसे मैंने लॉ का नाम लिया आपको आइडिया लग गया होगा, ज्योति मैडम दोबारा से इंटर में भी ज्योति मैडम पढ़ाने वाली हैं आपको लॉ। और थर्ड पेपर हमारा होता है जी टैक्स, कोस्टिंग का लगा लीजिए, कोस्टिंग का। और फोर्थ पेपर हमारा होता है जी इनकम टैक्स और जीएसटी। देखो इन दो टीचर्स के बारे में तो आप जानते ही हो, आप फाउंडेशन में पढ़े ही हो, तो आपको अच्छी तरह मालूम है टेक्निक्स क्या यूज होती हैं और कितने वास्ट तरीके से पढ़ाया जाता है। कोस्टिंग में हमारे यहाँ पे एक हैं सीए गौतम सेठी सर, मेरा ख्याल अगर उन्होंने आज तक 50,000 बच्चे पढ़ाए होंगे तो कितने हजारों बच्चों की रैंक आई है, बहुत अच्छे एक्सपर्ट है कोस्टिंग के। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारा कोस्टिंग है वो बिल्कुल अकाउंट्स जैसा ही होता है, अकाउंट का कजन लगा लो आप। अकाउंट्स को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स और इसको हम बोलते हैं कोस्ट अकाउंट्स। कोस्ट अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जब आप इंडस्ट्री में जाओगे। मान लो मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने ये पेन खरीदा, तो मैंने पेन जो खरीदा मार्केट में कितने का बिक रहा है, पर इसकी कॉस्ट क्या आई, कितने का मटेरियल आया, कितने की लेबर लगी, कितने के ओवरहेड्स लगे, एक एक चीज की अकाउंटिंग वो हम कॉस्टिंग में करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना मजेदार सब्जेक्ट है। पिछली बार भी हमारे एक स्टूडेंट है, आई नो हर, उसके 92 नंबर आए थे कॉस्टिंग में, तो 100 में से इवन लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में हमारे इंडिया में 3 बच्चों के 100 में से 100 नंबर भी आए हुए। तो अकाउंट्स का पेपर इतना अच्छा है आप जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं तो आपको देख चुका हूं इतने डिजर्विंग बच्चे हो आप, तो 100 नंबर भी आ सकते हैं। इनकम टैक्स के बारे में देखो, मेरे ख्याल आप साइट पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, शायद किसी सीनियर से पूछ लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में इनकम टैक्स के सबसे रिनाउंड और बेस्ट टीचर कौन है, तो आपको एक ही नाम सुनने को मिलेगा, एम के गुप्ता। आपने सर को देखा ही है, सर की एज से आपको आइडिया लग गया होगा कितने टाइम से वो पढ़ा रहे हैं। आज भी अगर आप ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग करेंगे तो एम के गुप्ता सर का नंबर वन है टैक्स के मामले में। ये तो मैंने आपको बता दिया आपके चार पेपर हैं, और हमारे यहाँ पे फैकल्टी कौन कौन है, कौन कौन पढ़ाएंगे, अभी हम आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में। अगर ग्रुप टू की बात करते हैं, ग्रुप टू हम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करेंगे, तो फरवरी महीने, मतलब आप लगा लीजिए कि फरवरी महीने से हम ग्रुप नंबर टू के बारे में आपको बताएंगे, कब कब पढ़ाएंगे, क्या होगा। तो हाँ जी, आपने सर को सबने देखा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सर को हमने देखा हुआ है, अच्छी बात है। एम के गुप्ता सर को मैक्सिमम लोगों ने देखा हुआ है हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, अच्छी बात है बेटा, आप उनसे पढ़ के भी देखना। अब मैं आपको बात करता हूँ जी, जो चाहे ग्रुप नंबर वन देना वो ग्रुप नंबर वन दे सकता है, जो चाहे मुझे दोनों ग्रुप देने हैं वो दोनों ग्रुप भी दे सकता है। तो दोनों ग्रुप में टोटल मिला के 8 पेपर हैं, पहले ग्रुप के मैंने 4 पेपर बता दिए, अब हम आते हैं ग्रुप नंबर टू पे। ग्रुप नंबर टू के भी 4 पेपर हैं। सबसे पहला पेपर हमारा होता है एडवांस्ड अकाउंट्स। अब देखो आप एडवांस स्टेज पे चले गए हो तो सब्जेक्ट का नाम भी चेंज होना शुरू हो गया, पहले आपके सब्जेक्ट का नाम था अकाउंट्स, अब आपके सब्जेक्ट का नाम हो गया एडवांस्ड अकाउंट्स। एडवांस्ड अकाउंट्स में आपको मर्जर क्या होते हैं, एमलगमेशंस क्या होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत एडवांस लेवल पे कॉर्पोरेट की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप सीए बनोगे और सीए को अकाउंट्स के बारे में वास्ट नॉलेज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकेंड हमारा पेपर होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके साथ होती है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। 60 नंबर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है और 40 नंबर का इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस होता है। इस 60 नंबर के पेपर के बारे में मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल में बताया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं,
या हमारे पूरे एन्यूटी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती हैं, फ्यूचर वैल्यूज क्या होती हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। टाइम वैल्यू मनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। और थर्ड वाला हमारा सब्जेक्ट होता है ऑडिट, और फोर्थ हमारा सब्जेक्ट होता है जी, इसको बोलते हैं EISM, मतलब आप लगा लीजिए कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, EISM बोलते हैं, और ये हमारा ग्रुप नंबर टू होता है। काफी बच्चे ये चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे दोनों ग्रुप एक साथ दे दें। अब मैं आपको प्रोसीजर पे आ रहा हूं। फरवरी 2022 में आपका रिजल्ट आएगा, मे बी 10th, मे बी 11th, मे बी 15th, मतलब इसी ड्यूरेशन में हमारा रिजल्ट आएगा। हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, मान लीजिए फरवरी में ही करवा लेंगे, नहीं तो मार्च में करवा लेंगे, और हमारा नवंबर 2022 में CA इंटर का अटेम्प्ट बनेगा। अब यहां से ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर बच्चे दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो पूरे के पूरे 8 पेपर आप नवंबर 2022 में जा सकते हो। अगर आपके दोनों के दोनों ग्रुप नवंबर में क्लियर हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2023 में। सपोज आपने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, और मुझे उम्मीद भी है आप में से बहुत बच्चों से कि आप दोनों के दोनों ग्रुप एक ही बार में क्लियर कर सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वर्थ है, रादर यू डिजर्व, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और सचमुच में दे आर डिजर्विंग। मैं अप्रिशिएट करूं या ना करूं, बट यू पीपल डिजर्व। अगर आप ये दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको करनी पड़ती है आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप हमारी होती है 3 साल की। मान लीजिए आपने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में आर्टिकलशिप स्टार्ट की, तो आपकी आर्टिकलशिप चलेगी 2026 तक, फरवरी 2026 तक। उससे पहले जो अटेम्प्ट आएगा 2025 नवंबर 2025 में यू आर एलिजिबल फॉर CA फाइनल। CA फाइनल में अगेन देर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अगेन देर आर 4 पेपर्स ईच, 4 पेपर ग्रुप 1 में होंगे और 4 पेपर ग्रुप 2 में होंगे। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं, रिकॉर्ड भी है, कि दोनों के दोनों अटेम्प्ट पहली बार में इंटर क्लियर करते हैं, दोनों के दोनों ग्रुप पहली बार में फाइनल के क्लियर करते हैं। तो सारे पेपर जब आपने इंटर किया तो भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया एक ही बार में, और आपने फाइनल किया तो भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया एक ही बार में। अब 2026 का जो रिजल्ट आएगा आपका, वो आ जाएगा जी जनवरी 2027 में। तो जनवरी 2027 में यू विल बिकम कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हो तो। हर्षी थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना, तो आपको ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप लोग जनवरी 2027 में CA बन सकते हो। अब आप देख लीजिए आज से कितना टाइम बाकी है। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट ये है, मेरे को दोनों के दोनों ग्रुप एक ही बार में देने हैं और क्लियर करने हैं, और 1 go में मुझे CA बनना है। एक छोटा सा एडवांटेज मैं और बता दूं, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, नंबर 1, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, रैंक उन्हीं को मिलती है जो दोनों ग्रुप एक साथ करते हैं। जो एक एक ग्रुप करके देगा वो सब्जेक्ट टॉपर तो हो सकता है। मान लो आपने अकाउंट्स में टॉप कर लिया, अकाउंट्स में आपके 98/100 मार्क्स आ गए, लेकिन आप कभी भी रैंकर नहीं हो सकते, रैंक होल्डर नहीं हो सकते। रैंक होल्डर वही बच्चा होगा जो दोनों ग्रुप एक ही बार में देगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक दो, हमारे अभी 2 अटेम्प्ट पहले 3 गर्ल्स थी बहुत इंटेलिजेंट थी, उन तीनों ने एक बैच मिस कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपने पेपर क्यों नहीं दिए? वो कह लगे, सर हमें ना दोनों ग्रुप एक ही बार में क्लियर करने और हमें रैंक में आना है। अब मेरे को लगा भी चलो टारगेट तो अच्छा है। फिर मैंने उनको 2-3 बार पूछा भी, सही आपकी तैयारी की क्या पोजिशन है? कह रहे सर आप चिंता मत करो, जैसे हमने फाउंडेशन में किया था वैसे इंटर में भी करेंगे। चांस की बात है, उन तीनों का रैंक आया, एक अटेम्प्ट उन्होंने मिस किया,
अगली बार में तीनों का रैंक आया. नाउ दे ऑल थ्री आर डूइंग आर्टिकलशिप इन डिलॉयट. हमारे बिग फोर में आर्टिकलशिप उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके दोनों ग्रुप एक ही बार में क्लियर हुए होते हैं. तो हमें ना मार्केट में बहुत एडवांटेज होते हैं. आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, आप करियर के लिए जाएंगे, आप किसी भी चीज के लिए जाएंगे, तो जब वो आपके एंटीसीडेंट्स पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे भी आपने फाउंडेशन कब किया, आप कहोगे जी फाउंडेशन भी मैंने पहली बार में किया था, मेरे 80% नंबर आए थे, इंटर भी मैंने पहली बार में किया था, मैं रैंक में आया था, फाइनल भी मैंने पहली बार में किया था, मेरा रैंक था. आप बताओ आपकी प्लेसमेंट कितनी बढ़िया होगी. इतनी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट है, इतना मजा आता है सुन के. छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पता चला जी 40 लाख का पैकेज मिल गया, 30 लाख का पैकेज मिल गया. यू आर ऑल्सो हैप्पी, पेरेंट्स आर हैप्पी, हमें तो प्राउड होता ही होता है कि देखो जी हमारे बच्चे कहाँ पहुँच गए. तो इसलिए ना ये सब चीज़ें माइंड प्रिपेयर कर लो. इफ यू कैन देन ओनली यू कैन गो. अगर आपको लगता है मैं दोनों ग्रुप एक साथ दे पाऊंगा, हम आपकी क्या हेल्प कर पाएंगे, मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा. लेकिन पहले आपको डिसाइड करना है क्या आप दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हो. कितने बच्चों को लगता है कि मैं इंटरेस्टेड हूं दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ दूंगा. इंटर के दोनों ग्रुप एक साथ देने के लिए आप में से कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है जिसको लगता है कि मैं दोनों एक साथ देना चाहता हूं. अरे वाह, देखो बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि मेरे को दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं. सर आप हेल्प करोगे? मैं 100% हेल्प करूंगा. आई एम देयर टू हेल्प यू. किसी आप बताओ मेरे को, मेरे साथ आपका पुराना एक्सपीरियंस है, क्या किसी बच्चे को ये शिकायत है कि मैंने आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया या करने की कोशिश नहीं की? मैंने पूरी कोशिश रहेगी, एज लॉन्ग एज यू आर इन माई टच, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको 100% कोऑपरेट करूंगा. यशिका ने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा, बेटा मैं उसके ऊपर आ रहा हूं. देखो जी पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो बच्चे दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं उनके साथ एडवांटेज ये है कि अगर आप रैंक होल्डर बनना चाहते हो तो नेचुरली दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे. अगर कोई बच्चा एक एक करके ग्रुप देता है वो सब्जेक्ट का टॉपर हो सकता है. मैं दोबारा बता सकता हूँ, ICAI वाले आपको अनाउंस करेंगे, ही इज टॉपर ऑफ अकाउंट्स, ही इज टॉपर ऑफ इनकम टैक्स, ही इज टॉपर ऑफ कॉस्टिंग, किसी सब्जेक्ट के टॉपर हो सकते हो. बट आप ऑल इंडिया रैंक में आओगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक में उन्हीं बच्चों को आएगा जिन्होंने दोनों ग्रुप एक साथ दिए. अब यशिका ने बहुत वैलिड पॉइंट पूछा. ये पॉइंट केवल यशिका का नहीं है, ये सबका है. प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं आपके, मैं आप सबको जानता हूँ, कोई SRCC में है, कोई हिंदू कॉलेज में है, कोई रामजस में है, अच्छे अच्छे कॉलेजेज में बच्चे हमारे हैं. अब जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए कंडीशन क्या होती है, एज लॉन्ग एज यू आर इन कॉलेज आप आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर सकते. मैं उन बच्चों के लिए दोबारा शेड्यूल बनाता हूं. फरवरी 2022 में आपका रिजल्ट आ गया फाउंडेशन का. अब आपको नवंबर 2022 में इंटर का एग्जाम देना है. फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों ग्रुप दे दिए, मे गॉड ब्लेस यू, आपने दोनों ग्रुप पास भी कर लिए, तो आप ये मान के चलो फरवरी 2023 में या जनवरी 2023 में आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे. अब आप आर्टिकलशिप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? जब तक आप फाइनल ईयर क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप यूनिवर्सिटी में जाते रहोगे, जब तक आप कॉलेज में जाते रहोगे, तब तक आप आर्टिकलशिप नहीं कर सकते. अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? नंबर एक तो आपकी आर्टिकलशिप तब स्टार्ट होगी जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई लॉस नहीं है. अगर आपकी इच्छा है मुझे रैंक लेना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक एक करके तो देने का फायदा नहीं होगा, रैंक लेना है तो आपको दोनों देने पड़ेंगे. तो काफी बच्चे ये भी करते हैं कि हमने पहला नवंबर वाला बैच मिस कर दिया, हम मई 2023 में दोनों दे देंगे. काफी बच्चे जानबूझ के ऐसा करते हैं कि कॉलेज भी थोड़ा आगे निकल जाएगा और हमारे को रैंक आने की जो कंडीशन है वो भी रहेगी.
तो दूसरी बात ये होती है, काफी बच्चे कहते हैं चलो जी रैंक तो चांस की बात है, आएगा या नहीं आएगा, तो हम एक एक करके ग्रुप दे देते हैं। तो आप लोग पहले ग्रुप वन दे दो, और जब आपका ग्रुप वन क्लियर हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद आप ग्रुप नंबर टू दे दो, क्योंकि ये बात तो पक्का है कि जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप लोग कॉलेज में जाते रहोगे, तब तक आप आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। और आर्टिकलशिप ज्वाइन तभी करोगे जब आप लोगों का कॉलेज नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है, कॉलेज में आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है। और जब आप आर्टिकलशिप करोगे वहां पे भी आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, कोई भी एक आदमी दो जगह पे कैसे प्रेजेंट रह सकता है? मैं आज यहां पढ़ा भी रहा हूं और आज मैं कॉलेज में भी हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक आदमी एक ही जगह पे रह सकता है। तो इसलिए जिन बच्चों का रेगुलर कॉलेज है, यशिका जी आर यू क्लियर? मैं जो कहना चाहता हूं, जिन बच्चों का रेगुलर कॉलेज है, मैंने आपको, अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस देखेंगे, जब मैंने जुलाई में पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने आपको तब भी कहा था, जिन बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, हिंदू कॉलेज है, SRCC है, हमारे नॉर्थ कैंपस के हैं, रामजस कॉलेज अच्छा है, किरोड़ीमल कॉलेज अच्छा है, जिन बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं उनको डेफिनेटली रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए। लेकिन आपको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला और आपने CA के साथ भी कंप्रोमाइज किया, तो इसका मतलब है यू आर गेटिंग डबल लॉस, आपका लॉस डबल हो जाएगा। क्योंकि काफी कॉलेजेज ऐसे हैं जहां पे प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छी है, आपने साथ साथ CA इंटर भी कर ली। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप प्रिज्यूम करके देखो, आप जब BCom फाइनल ईयर में होगे, 6th सेमेस्टर में, हमारा 6th सेमेस्टर चल रहा है, आप BCom फाइनल ईयर में हो और आपने CA इंटर भी कंप्लीट कर रखी है, अब आप मुझे एक बिल्कुल छोटी सी बात बताओ, जब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होंगी तो आप बताओ आपकी वेटेज उन सब बच्चों से ज्यादा होगी कि नहीं होगी जिन्होंने CA नहीं इंटर कर रखी, जो केवल ऑर्डिनरी ग्रेजुएट है, जिन्होंने केवल एंड केवल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, प्लेसमेंट उनकी भी होगी लेकिन डेफिनेटली यू विल बी प्रेफर्ड, क्योंकि उनको लगेगा इंटर तो कर ही रखी है, अब जैसे ही मतलब थोड़ा सा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी ये फाइनल भी कर लेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग वो जो भी आपके साथ एडजस्टमेंट होगी हो सकती है। तो CA करने में कोई मतलब आपको दोनों ग्रुप देने में कोई लॉस नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं तो पूरी मेहनत करूंगा या करूंगी और मुझे तो रैंक लाना ही लाना है, तो अगर आप रेगुलर कॉलेज में हो विद द मोटिव ऑफ मुझे रैंक लाना है, आप दोनों ग्रुप भी दे सकते हो। और दोनों ग्रुप देने के बाद जब आप अपने फाइनल ईयर में हो जाओगे, बाकी लोगों को प्रोफाइल होगा परस्यूइंग ग्रेजुएशन, और आपका प्रोफाइल होगा परस्यूइंग ग्रेजुएशन बट कंप्लीटेड CA इंटर, तो आप बताओ बीइंग ए एम्प्लॉयर आपके मन में क्या रहेगा, कौन आदमी बैठ रहे? नेचुरल सी बात है, जब आप धीरे 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 CA फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे तो हर जगह आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब मैंने आपको कहा था जी 3 कैटेगरी के लोग हैं, पहली कैटेगरी तो वो होगी जिन्होंने दोनों ग्रुप देने हैं। मेरा ख्याल मैंने आपको पूरा का पूरा पाथ समझा दिया कि CA बनने तक क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको समझ में। सेकेंड वाला मेरा जो है वो मैंने कहा था जी, जो सिंगल ग्रुप करना चाहते हैं, मान लो जो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, काफी बच्चों को ये लगता है सर मेरा रैंक तो आने की उम्मीद नहीं है, हम भी कह देते हैं अभी नहीं आने की उम्मीद, हमें मालूम होता है हर बच्चे का, तो जैसे कोई बच्चा कहता है देखो जी मेरी रैंक आने की उम्मीद तो नहीं है, मैं एक एक करके देता हूँ, 8ों के 8ों पेपर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, पहले ग्रुप के भी 4ों पेपर बहुत बढ़िया नंबर लाऊंगा, सेकेंड ग्रुप के दोनों पेपर भी बहुत बढ़िया नंबर लाऊंगा, लेकिन मैं दोनों एक साथ नहीं दूंगा। अच्छी बात है, यू मे बी सब्जेक्ट टॉपर, और मान लो हम टॉप ना भी करें, अगर हमने आप बताओ टैक्स बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है तो नॉलेज की तो वैल्यू है, रैंक में आएंगे नहीं आएंगे, डिग्री कम मिलेगी, उससे ज्यादा तो नॉलेज की वैल्यू है, हमारे को नॉलेज कितनी है। तो हम लोगों को हर सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो वो हर एक का आइडिया हो सकता है कि मुझे दोनों ग्रुप देने हैं, मुझे सिंगल ग्रुप देने हैं, मुझे क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, दैट वी कैन डू। थर्ड वाले लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग बहुत कम है,
लेकिन मैंने मार्केट में देखा, वो लोग कहते हैं जी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे हमें क्या करना है। अब इन लोगों को देख लो जी, मान लो हमारा रिजल्ट आ गया जी फरवरी 10 को, अब ये लोग पास हो गए, अब उसके बाद ये सोचेंगे अभी अब मैं इंटर की तैयारी करने के लिए सोचता हूं, तो 10-15 दिन तो इन्होंने लगा दिया जी, रजिस्ट्रेशन ये वो दिस एंड दैट। फिर जहां पे भी आप पढ़ने जाओगे, पहली बात सब इंटेलिजेंट बच्चे तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, तो हर जगह अच्छे टीचर्स के सिलेबस काफी आगे जा चुके होंगे। मतलब कोई भी टीचर कहेगा जी देखो मेरे 4 चैप्टर निकल चुके हैं, मेरे 3 चैप्टर निकल चुके हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, फेस टू फेस में तो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। दूसरी बात, आपको टोटल मिला के 5 महीने मिलेंगे, और उन 5 महीने में आप 4 पेपर पढ़ोगे भी सही और पूरी की पूरी रिवीजन भी करोगे, क्योंकि नवंबर में अगर पेपर है तो ज्यादातर 30 सितंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो आप देखो जी मार्च अप्रैल कितने भी 5-6 महीने जो मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे भी सही, क्योंकि फेस टू फेस आप देख भी चुके हो। मेरे ख्याल ये हर्षी बैठे हैं, मुझे याद है जब आप गूगल पे पढ़ते थे, जूम पे पढ़ते थे, और जब आप फेस टू फेस आते थे, अब तो आपको फर्क लगा कि नहीं लगा? घर पे आप बैठे रहते थे, मैं भी आपको देख नहीं पाता था, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैंने रिप्लाई कर दिया, नहीं पूछा तो मैं भी चुप हो गया। जब आप मेरे सामने आके बैठे, जब आपने एक एक चीज मेरे को बताई, तब मुझे पता है कि हर्ष कहाँ की प्रॉब्लम है, हर्ष की प्रॉब्लम कहाँ है, इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकते है, तभी मुझे पता चला। अब ये रितेश भैया जब तक जूम पे पढ़ते थे, गलत कह रहा हूँ सर मैं, इतनी प्रॉब्लम से मुझे भी पता नहीं था रितेश है कौन, पर रितेश नाम आता था, रितेश बंसल है कौन पता नहीं चलता था। जब आप मेरे पास यहाँ आए, आपने अपनी प्रॉब्लम पूछी, तब मुझे पता चला रितेश कौन है और रितेश की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो जो चीज आपने फेस टू फेस में देखा होगा वो चीज जूम पे नहीं होती है। तो अगर आप लेट क्लासेज में जाएंगे, वो लोग बोलेंगे देखो जी आप हमारी गूगल ड्राइव ले लीजिए, हमारे तो इतने चैप्टर निकल चुके हैं, तो बेटर है आप लोग वो इंतजार ना करें। अब बच्चे कह रहे हैं जी आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो, तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं जी। देखो ग्रुप नंबर वन के 4 पेपर है, मैं दोबारा लिख देता हूं, एक एक पेपर के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग, सेकेंड पेपर हो गया लॉ, थर्ड पेपर हो गया हमारा कॉस्टिंग, और फोर्थ पेपर हो गया जी हमारा इनकम टैक्स। अकाउंट्स हमारे यहाँ पे आप सब लोगों को मालूम है, नेहा मैम और मेरे को, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है नेहा मैम की क्वालिटी क्या है, आप सब लोग देख चुके हो हाउ ब्यूटीफुली सी टीचेज एवरीथिंग, हर कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, सब क्या करते हैं। हाँ बेटा तानिया जी वो भी पॉसिबल है, मैं भी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। तो नेहा मैम आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगी, और मैंने नेहा मैम से रिक्वेस्ट की थी कि मैडम कुछ ऐसा सिस्टम कर दो कि जो बच्चे इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहें उनको दिक्कत ना हो। तो मैडम ने मेरी समाओ थैंक्स टू मैम, उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने कहा भी मैं जो चैप्टर करवा रही हूँ वो चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी 2-3 दिन में। तो उन्होंने मेरे को नई डेट दी है कि 27 दिसंबर से अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उनकी क्लास होती है MWF में 2:30 से लेके 5:30 तक होती है, फेस टू फेस क्लास होगी, और 27 दिसंबर से मैडम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा था क्योंकि ये हमारे अपने ही बच्चे हैं और इनको हमने फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा, जैसे ना 10-15 बच्चों के मेरे पास कल भी मैसेज आए, सर आप इमीडिएटली हमारी इंटर की क्लास स्टार्ट करवा दो, इमीडिएटली करवा दो, कब से शुरू होगा? तो फिर मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम देख लो कुछ हो सकता हो, तो उन्होंने मेरे को मॉर्निंग में बताया कोई बात नहीं आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं 27th से नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, तो अगर कोई बच्चा आना चाहे तो उस नए चैप्टर में भी आ सकते हैं। लॉ ज्योति मैडम पढ़ाएंगी, और ज्योति मैडम जो है ना वो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ज्योति मैम पढ़ाएंगी, और ज्योति मैम के सिलेबस में ना 2 पार्ट है। वो कहती है जब मैं कॉर्पोरेट लॉ स्टार्ट करूंगी
तो कॉर्पोरेट लॉ से मैं सारे के सारे अपने इन फाउंडेशन वाले नए बच्चों को इनकॉर्पोरेट कर लूंगी ग्रुप में, और उनका जो स्टार्ट होगा कॉर्पोरेट लॉ वो होगा 22 जनवरी से, 22 जनवरी 2022। कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ, सारा कंपनी लॉ होता है, 60 नंबर का कंपनी लॉ और 40 नंबर का अदर लॉज। तो अदर लॉज मैडम आपको बाद में करवा देंगे, सबसे पहले सिविल स्टार्ट विद कंपनी लॉ। और आपको मालूम ही है ज्योति मैडम के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा कुछ कह भी नहीं रहा क्योंकि आप लोग पढ़े ही हो सारे, अब मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप जानते ही हो ज्योति मैडम को। अब हम बात करते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्टिंग। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएमए। ये जो हमारा सीएमए का पेपर है ये 100 मार्क्स है, बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें आपका पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग और पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स में हैं रेगुलर कॉलेज में उनको मालूम होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ गौतम सेठी सर आपको इतने ब्यूटीफुल वे में पढ़ाएंगे कॉस्टिंग, आपको खुद ही लगेगा बिल्कुल मैचलेस है, आप फाउंडेशन को बिल्कुल भूल जाओगे, हरीश सर को भी भूल जाओगे, सबको भूल जाओगे। गौतम सर इतना अच्छा पढ़ाएंगे आपको, आपको लगेगा गौतम सर से हम पहले क्यों नहीं पढ़े। तो गौतम सर को भी मैंने बोला था, तो उन्होंने जो मेरे को डेट दी थी, उन्होंने मेरे को डेट दी थी कि उनका बैच तो होता है रोज होता है TTSS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे, और उनका टाइम होता है मॉर्निंग में 7:30 से लेके 10:30 तक, बहुत अर्ली मॉर्निंग में ये अपना ग्रुप करते हैं। और मैंने अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इतना अप्रिशिएट करते हैं सर को, इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं कि सर गौतम सेठी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अमेरिका में मेरे को तो पता ही है बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो गौतम सेठी सर वो कह रहे थे जी जब भी बच्चे आना चाहें मैं तो चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उनका एक चैप्टर तो 25 तारीख कब है, 25 दिसंबर से भी उनका एक चैप्टर नया स्टार्ट होगा। तो 25 दिसंबर, जो इमीडिएटली, जो बच्चे कहते हैं जी इमीडिएटली ज्वाइन करना है, अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात हो जी टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा क्योंकि आप सब लोग जानते ही हो गुप्ता सर को, उनका कितना ज़्यादा मार्केट में नाम है, फेम है, नेम है, और इतने रिनाउंड टीचर हैं, ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 फैकल्टी ऑफ टैक्स माने जाते हैं एम के गुप्ता सर। तो गौतम सेठी सर के डेमो लेक्चर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं बेटा, हर चीज़ के हम आपको डेमो लेक्चर देंगे, आप आराम से डिसाइड कर लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, और आप उस हिसाब से कर लीजिए। अब टैक्सेशन के बारे में देखो मैं सर के बारे में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी से भी पूछेंगे, आपके जितने सीनियर हैं, जितने लोग हमारे सेंटर में आए हैं सबने देखा होगा कितने ऑल इंडिया रैंकर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, मेरा ख्याल वो जितने टाइम से पढ़ा रहे हैं कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, और मेरा ख्याल हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रैंक में आ चुके हैं। और आपने देखा होगा कितने बच्चों की फोटो लगी हुई है, कोई 3 लाख का प्राइज लेके गया, कोई 5 लाख का प्राइज लेके गया, कोई ARI 1 था, कोई ARI 2 था, और लास्ट बैच में भी 5 AIR वाले इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो सर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सर ने मुझे एक चीज़ रिस्ट्रिक्ट की थी कि फेस टू फेस मैं किसी भी बच्चे को 1 मार्च से पहले नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो फेस टू फेस स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से। अगर किसी को पेन ड्राइव लेना हो, गूगल ड्राइव लेना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले से GST स्टार्ट किया है, अपने पुराने बैच में GST स्टार्ट किया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 2-3 लेक्चर मेरे ख्याल हमारे 2 लेक्चर शायद यूट्यूब पे आ भी चुके हैं, तो आपको लिंक भी भेजा जाएगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें तो केवल गूगल ड्राइव लेनी है वो तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को लगता हो कि मुझे फेस टू फेस पढ़ना है सर से, क्योंकि सर से फेस टू फेस पढ़ने का चार्म ही अलग है, तो जिसको लगता है मुझे फेस टू फेस पढ़ना है सर से
वो लोग पहली मार्च से फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होगी जी, देखो जो हमारे यहाँ पे क्या होता है टैक्सेशन, क्योंकि मैंने बोला इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी है, फेस टू फेस की फीस होती है 20,000 और बाकी जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनकी ऑन एन एवरेज 12,000, 36,000 रुपये टोटल हो गया जी, 56,000। तो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था और सर को मैंने मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ज़्यादा थी कि सर देखो बच्चों को ना जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो सर ने भी बिल्कुल खुले दिल से कह दिया कोई बात नहीं, जो हमारे बच्चे हैं लेकिन मैं केवल 100 बच्चों के लिए कर सकता हूँ, 100 बच्चों को चारों सब्जेक्ट के 35,000 रुपये। आप चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टैक्सेशन, कॉस्टिंग और लॉ अकाउंट्स, चारों सब्जेक्ट के लिए 35,000 रुपये, लेकिन केवल एंड केवल जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे और वो भी ओनली MKG वाले, बाहर वाले बच्चों के लिए नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में, उससे पिछले अटेम्प्ट में कभी भी, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन हमारे यहाँ से किया है, उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा कंसेशन है। तो मेरे को कल बल्कि 2-3 बच्चों ने बोला सर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, मैंने कहा बेटा आपकी मर्जी है, रजिस्ट्रेशन हमारी ऑलवेज ओपन है, आप कभी भी कल से करवाना चाहो, आज से करवाना चाहो, ऑनलाइन करवाना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे 100 बच्चे क्रॉस हो जाएंगे उसके बाद सर ने बोला हुआ है कि 100 से ज़्यादा पे हम नहीं कर पाएंगे, पहले 100 बच्चों के लिए चारों सब्जेक्ट के 35,000 रुपये। अच्छा, जिन बच्चों ने कहा था जी हमने सेकंड ग्रुप भी देना है, तो मैंने उनको कहा था जी सेकंड ग्रुप के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम फरवरी के फर्स्ट वीक से सेकंड ग्रुप भी पूरा स्टार्ट करेंगे और उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, कितने बजे क्लासेज होंगी, क्या होगा, वो हम आपको 1 फरवरी को ही कर पाएंगे, क्योंकि 1 फरवरी को ही हम इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे कि हमें टाइमिंग्स क्या रखने हैं, क्योंकि ग्रुप 1 के भी टाइमिंग्स होते हैं, तो कोई भी बच्चा इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपका ग्रुप 1 का एडजस्टमेंट हो जाएगी, उसके बाद ग्रुप 2 का भी कर देंगे। अब तीसरी बात यह जी, जो बच्चे, एक प्रॉब्लम आई है जी, जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, वो क्लासेस कैसे करेंगे, ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, नाम पढ़ता हूं मैं किसका था, तानिया, सर रेगुलर कॉलेज एंड फेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल है। बेटा देखो मैंने आपको टाइम टेबल बताया, टाइम टेबल होता है एक क्लास होती है 7:30 से 10:30 बजे तक, अगली क्लास होती है 11:30 से 2:30 तक, उसके बाद क्लासेज होती हैं 2:30 से लेके 5:30 तक। एक दिन में हमारे यहाँ पे 3 क्लासेज होती हैं ग्रुप 1 की, 7:30 से 10:30 होती है कॉस्टिंग की और वो भी आपकी होती है TTSS, तो संडे वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सैटरडे को भी कॉलेज की छुट्टी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ट्यूसडे थर्सडे को अगर किसी बच्चे को लगता है मैं मैनेज कर सकता हूँ तो कर सकते हैं, नहीं तो रेगुलर कॉलेज के साथ साथ तो इस टाइम पे आपको मेरे ख्याल पूरी दिल्ली में कहीं पे क्लासेस नहीं मिलेंगी। कोई भी ग्रुप 1 की क्लासेस इवनिंग में करता होगा, कॉलेज टाइम के बाद करता होगा, ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि इवनिंग में कोई भी आदमी इंटर की क्लासेस नहीं करते हैं, सारे लोग मॉर्निंग में ही करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है मॉर्निंग में करने का, आप फ्रेश माइंड हो, थोड़ा सा मुश्किल कोर्स होता है तो कोशिश ये रहती है कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, उनके अच्छे अच्छे नंबर आए, उनका रिजल्ट अच्छा है, अच्छा आउटपुट दिया जाए, तो मॉर्निंग का टाइम मेरे ख्याल, आप खुद बताओ मॉर्निंग का टाइम अच्छा होता है या इवनिंग का? मॉर्निंग का ही अच्छा होता है, तो हम भी मॉर्निंग का ही करते हैं, हम आपको बोले जी शाम को 7 बजे आना, पूरे दिन के थके टूटे हुए आ भी जाओगे तो क्या कर लोगे, आउटपुट तो आएगा नहीं कुछ भी। तो तानिया जी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप देख लो जी एक बच्चे का क्वेश्चन है जी अगर 100 के बाद हम एडमिशन करवाते हैं तो आप कितने चार्जेस लोगे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया जी, टैक्स के हैं 20,000 और बाकी ऑन एन एवरेज हर चीज़ के 12,000 मानोगे तो टोटल होता है 56,000। अगर आप चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20% का डिस्काउंट और दे देंगे, तो 11,000 का डिस्काउंट हो गया, फिर भी आपको 45,000 में पड़ेगी। अगर पहले 100 के बाद आएंगे
सर क्या 100 बच्चों का बच्चा हो चुका है कंप्लीट? अभी नहीं हुआ बेटा, हमने अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं किए थे, हमारे लिए पहली प्रेफरेंस पे हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, और आज से रिसेप्शन पे बोला है आज से ही एडमिशन स्टार्ट करने हैं, हमारे हो चुके हैं ऐसा नहीं है, आज फर्स्ट डे है। जब हमने आपको इन्फॉर्म किया, पूरी इन्फॉर्मेशन दी, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब हमारा स्टार्ट होगा, अब जो हमारा एडमिशन होगा वहाँ से नंबर वन स्टार्ट होगा, और 100 स्टूडेंट्स के बाद फिर वो डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये जो पैकेज है 35,000 का पूरे चारों कोर्स, चारों सब्जेक्ट्स का, ये हम बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत, आप देखो 35,000 में बहुत कम होता है, और इसमें से चलो समाओ जो भी है, अगर बोला है सर ने तो अच्छी बात है, ही इज वेरी मैग्नैनिमस इन दिस वे, उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारे अपने बच्चे हैं और हमारे से जो हो पाएगा हम करेंगे। अब जो भी बच्चा कुछ पूछना चाहे कि बताओ हम आपकी किस वे में क्या हेल्प करना चाहें ताकि आपका बेनिफिट हो, आप अपने अपने पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हो। जिसकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैंने आपको फीस के बारे में डिटेल बता दी, मैंने आपको क्लासेस की पूरी डिटेल बता दी, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम्स कब होगा, दोनों ग्रुप दोगे तो क्या क्या एडवांटेज है, सिंगल ग्रुप दोगे तो क्या क्या एडवांटेज है, वो देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि सर मेरे को किसी पेपर में डाउट लग रहा है, मैं पता नहीं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ तो बहुत कम है वैसे, लेकिन अगर उनको लगता है कि हमने एनरोलमेंट करवा दिया तो हमारे पैसे बेकार तो नहीं जाएंगे, ये भी पक्की बात है किसी का एक रुपया भी हम फालतू नहीं लेंगे और किसी का भी पैसा बेकार भी नहीं जाने वाला है, तो सबकी प्रॉपर वे में एडजस्टमेंट होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्यन कह रहे जी ग्रुप टू में कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे? बेटा ग्रुप टू में मैंने आपको बोला हुआ है, आर्यन भैया पहले दिन से बोलता हूँ FM तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और बाकी चीजों के लिए हम आपको बता देंगे अभी, क्योंकि कौन कौन पढ़ाएगा अभी हम बता देंगे आपको, अगर ज्यादा जल्दी है तो मैं कल ही बता दूंगा आपको। हाँ जी FM सेकंड ग्रुप में है, FM सेकंड ग्रुप में, और FM तो मैंने डे वन से बोला हुआ कि FM तो मैं ही पढ़ाता हूँ, तो FM तो आर्यन भैया मैं ही पढ़ाऊंगा, और बाकी ऑडिट ज्योति मैडम पढ़ाएगी, और बाकी दो चीजों का हम आपको बता देंगे, और गौतम शेट्टी सर एडवांस अकाउंट्स पढ़ाएंगे, और EISM के भी टीचर हैं लेकिन आप उनको जानते नहीं हो तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत जितना हम मैक्सिमम अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। आर्यन कह रहे जी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है बेटा, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जिसको लगता है मुझे एक ग्रुप करना है तो भी दिक्कत नहीं है, जिसको लगता है मुझे दोनों ग्रुप करने हैं हमारे यहाँ तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर आपको कुछ भी पर्सनल पूछना हो, वैसे तो आप फोन पे भी पूछते रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी जनरल क्वेरी हो रिलेटेड टू CA इंटर कि एडमिशन क्या होगा, कोर्स कितने टाइम में ख़त्म होगा, कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बोला देखो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव तो आप कभी भी ले सकते हो, मान लो कोई बच्चा कहे जी मुझे तो गूगल ड्राइव लेनी है, तो गूगल ड्राइव तो आप आज भी ले सकते हो, जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएंगी आपको मिलता जाएगा, लेकिन फेस टू फेस के लिए मैंने आपको डेट बोला है। सर कैन वी गो फॉर ग्रुप वन फॉर May 2022? इज देयर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम पीरियड टू अपीयर फॉर? नहीं बेटा May 2022 में आप नहीं दे सकते, मिनिमम टाइम होता है रजिस्ट्रेशन के 9 महीने बाद, वो भी कोरोना के चक्कर में पेपर हमारा लेट हो गया, नॉर्मली हमारा पेपर होता है नवंबर में, आपका पेपर हुआ दिसंबर में, ऑलरेडी 9 महीने नहीं बनते, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने कहा हुआ कि हमारी गलती है हमने पेपर लेट किया, तो किसी के 6 महीने वेस्ट नहीं होंगे, तो आप मान के चलो आपका जो अटेम्प्ट बनेगा वो बनेगा November 2022। May 2022 में किसी भी हालत में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। सर EISSM में क्या पढ़ाया जाएगा? देखो बेटा RNG EII, देखो जी EISSM ये तो पार्ट होता है, बहुत बढ़िया पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मैनेजमेंट का पार्ट होता है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाएगी, पैसा कमाया कैसे जाएगा, तो इसको मानो पैसा कमाया कैसे जाएगा SM में आता है, और पैसे को मेंटेन कैसे किया जाएगा वो FM में आता है, पैसा कमा लिया करोड़ों रुपये
सारा का सारा बर्बाद हो गया। तो SM हमें बताता है पैसा कमाना कैसे है, और FM हमें बताता है उस पैसे को सेव कैसे करना है, उस पैसे को यूज कैसे करना है, और उस पैसे को री इन्वेस्ट कैसे करना है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। और SM हमें बताता है बहुत अच्छे टीम, बिल्कुल मैनेजमेंट जैसा होता है, जैसे आप मैनेजमेंट में पढ़ते थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना सब बच्चों को बहुत आसान लगेगी, और आप मानो हमारे जितने भी नंबर आते हैं मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से ही आते हैं। ये हमारा वही होता है नेटवर्किंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, तो सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है इसके कॉन्टेंट्स की। SM का कॉन्टेंट्स मुझे पूरा मालूम है क्योंकि वो मैनेजमेंट पर बेस्ड होता है। सर अभी 12,000 देने हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा मैंने ऐसा नहीं बोला 12,000 पे देने हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब यहाँ रिसेप्शन पे आओगे मोस्ट लाइकली मैं भी आपको मिलूंगा, तो जो भी होगा जितना भी मिनिमम होगा उतने में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और जो क्लास आपको सूटेबल हो आप कर भी सकते हो। अगर किसी को गूगल ड्राइव लेना है ले सकते हो, पेन ड्राइव लेना है बेशक आज ही ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको फेस टू फेस करना है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जो इफेक्ट फेस टू फेस का आता है आप देख भी चुके हो, मेरे ख्याल मैंने फेस टू फेस 10-15 क्लासेस की थी और जूम पे 63 क्लासेस की थी, आप देख लो दोनों का इफेक्ट बराबर आया होगा। क्योंकि जितना हमने जूम पे क्लासेस ली, ना मैं तान्या को जानता हूँ ना तान्या मुझे जानती है, मेरे को पता ही नहीं वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जब आप मेरे सामने आके बैठे तभी मुझे पता चला किस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, किस बच्चे की क्या वीकनेस है, किसको कैसे किया जाए। पर्सनल इंट्रैक्शन इज बेस्ट ऑफ ऑल, नेचुरल सी बात है। और जब आप अपने कुलीग्स को मिलते हो, अपने बाकी फ्रेंड्स को मिलते हो क्लास में, तो आपको देख के लगता है, एक दूसरे डिस्कस करते हो, हमी तेरे चैप्टर हो गया नहीं हो गया, कहाँ प्रॉब्लम है, डिस्कस भी करते हो, आपको भी खुशी होती है लोगों से मिलके। घर में बैठे बैठे पूरा दिन इंटरनेट पे देखते देखते आंखें खराब करने वाली बात है। बाकी आप लोग जिसकी मजबूरी है, हमारी तरफ से दोनों चीज़ें अवेलेबल है। नवंबर 2022 का बैच कब से स्टार्ट होगा फेस टू फेस? विवेक भैया मैंने अभी सब कुछ बताया कि अगर आप कोस्टिंग की क्लास में तो 25 तारीख से भी आ सकते हो। मैं दोबारा लिख देता हूँ दिवेश भैया, कोस्टिंग की क्लास में आप 25 दिसंबर जिसको आप क्रिसमस कहते हो उस दिन से भी आ सकते हो। अकाउंट्स की क्लास में बेटा आप 27 दिसंबर से भी आ सकते हो। लॉ की क्लास में आप स्टार्ट करोगे आना 22 जनवरी 2022 से, और टैक्स की जो फेस टू फेस क्लास होगी वो हमारी होगी जी 1 मार्च 2022 से हमारी फेस टू फेस क्लास होगी इनकम टैक्स की। ये वाली बात मैंने पहले भी बोली है दिवेक जी, आप बेटर रहेगा दिवेक भैया आप फेस टू फेस ही आओ, क्योंकि जो मजा फेस टू फेस में आएगा, जो इफेक्ट फेस टू फेस में आएगा, वो आपको बाकी जगह नहीं आ सकता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे गूगल ड्राइव की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को लगता हो मुझे गूगल ड्राइव लेना है, मुझे पेन ड्राइव लेना है, मुझे हार्ड डिस्क लेना है, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद अस। सर कोस्टिंग का 25 के बाद क्या डेट रहेगी? बेटा 25 के बाद और 2-3 दिन बाद हो जाएगा, कोई भी चैप्टर 2 दिन चलता है 3 दिन चलता है, फिर वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उस दिन से आ जाना आप कोई बात नहीं। साहिल जी कभी भी फोन कर सकते हो बेटा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन हर टाइम मेरे से मिलेगी। 25 को ही आ जाओ एक दिन, और नहीं तो आपको 2-3 दिन बाद आना है तो 2-3 दिन बाद आ जाओ, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। किसी का कोई डाउट है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम कंक्लूड करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क, और नहीं पूछना चाहते हो आपको सब कुछ क्लियर है। सर दोनों ग्रुप साथ में देने से बिग फोर में भी प्रेफरेंस मिलती है क्या? 100% यशिका जी मैंने आपको यही तो बोला, बिग फोर में उनका क्राइटेरिया ही यही है कि आप अगर दोनों ग्रुप एक साथ करके आए हो तो यू विल बी प्रेफर्ड। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं लेंगे वो, यू विल बी प्रेफर्ड। सर ग्रुप टू की एवरेज फीस कितनी होगी? ग्रुप टू की एवरेज फीस तो बेटा आप ये मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, अगर हमारे अपने स्टूडेंट होंगे तो भी वही 35 और 40 के बीच में होगी,
और बाहर के होंगे तो फिर फीस ज़्यादा होती है। आप मान लो, चलो मैं सर से बात कर लूँगा, ग्रुप टू की भी हम 35 ही मान लेते हैं, ग्रुप टू की भी 35 होगी और ग्रुप वन की भी 35 होगी, तो दोनों ग्रुप की मिला के 70,000 रुपीज होगी अगर कोई दोनों ग्रुप करना चाहेगा तो। और देख लो बेटा, जिसका जो भी है, सर जो रेगुलर कॉलेज में है एंड बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, वो नवंबर 2022 या मई 2023 प्रेफर करें, नेचुरल सी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नवंबर 2022 और मई 2023 में बाकी सब सब्जेक्ट का तो सेम रहेगा, लेकिन इनकम टैक्स पूरा का पूरा 100% चेंज हो जाएगा। आपको मालूम होगा हर फाइनेंशियल ईयर में हमारा इनकम टैक्स चेंज हो जाता है, हमारे इनकम टैक्स के सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो जो नवंबर 2022 में देंगे उनका असेसमेंट ईयर अलग होगा, जो मई 2023 में देंगे उनका असेसमेंट ईयर अलग होगा। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो सब आप टैक्स में पढ़ोगे, तो केवल एंड केवल इसमें आपको दिक्कत आएगी। अब जो हम आपको गूगल ड्राइव देते हैं, आपको मालूम है उनकी जो लाइफ होती है वो होती है आपकी, समझ लीजिए 500 दिन तक, लेकिन इनकम टैक्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। इनकम टैक्स में नए नए अमेंडमेंट आते रहते हैं, फिर अगर आप गूगल ड्राइव लेते हो तो अमेंडमेंट के लिए आपको सर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अमेंडमेंट के लिए हम आपको अलग से भी प्रोविजन देते हैं, लेकिन बस बाकी किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नवंबर 22 में दो या मई 23 में दो, सिलेबस विल बी सेम, कंटेंट्स विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, लेकिन इनकम टैक्स में सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी हमारा बजट आएगा, आप देखना कितना कुछ चेंज हो गया, अगली बार बजट आएगा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो इनकम टैक्स में नवंबर और मई में, मई और नवंबर में सेम होता है क्योंकि ईयर सेम है हमारा, भाई नवंबर में पेपर दो या मई में पेपर दो। मान लो आपने मई 2022 में दिए और नवंबर 2022 में दिए, सेम है, असेसमेंट ईयर सेम रहेगा। जैसे ही आप मई 2023 में जाओगे, असेसमेंट ईयर चेंज हो गया, अप्रैल के बाद सारे नए रूल्स आ जाएंगे। फिर अगर आपने पुराना इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है तो आपको एक बार ही पूरे के पूरे जो हमारे अमेंडमेंट्स होंगे उनकी क्लासेस को दोबारा करना पड़ेगा। और सर हम ऐसा अमेंडमेंट क्लासेस करते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और इनकी अमेंडमेंट क्लासेस तो मैं कई बार देखता हूँ 20,000-20,000 व्यूज होते हैं। जैसे ही सर अमेंडमेंट क्लास डालते हैं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत लोग देखते हैं उसको, तो अमेंडमेंट क्लासेस आपको मिलेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी बच्चे को, हमारे किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमारी आपसे जो भी कमिटमेंट है उसको 100% पूरा करेंगे, और जिस बच्चे का जब भी अटेम्प्ट होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हमारी तरफ से जो भी चीज चाहिए सब मिलेगा। और पूछो बेटा जिसकी जो भी डाउट है। और किसी का कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग टाइमिंग्स, रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस, शैल वी कंक्लूड? ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और वी आर ऑलवेज एट योर सर्विसेज। कभी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, पलक जी, मुस्कान, हिमांशु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू, वी आर ऑलवेज एट योर सर्विसेज, सो ईगर टू ज्वाइन इंटर, यू आर वेलकम बेटा, आर्यन बेटा कभी भी आ जाओ, मैं यही मिलूंगा आपको, थैंक यू।